सो अगेन वेलकम। सो आज हम लोग करेंगे बॉडी बिल्डिंग पोजेस के बारे में थोड़ी सी रिसर्च, और आज हम लोग बॉडी बिल्डिंग पोजेस जो होते हैं वो सीखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग साथ अपने स्पेशल गेस्ट हैं जो कि हैं मयंक। इनकी जिम है अपने ही कानपुर में, बहुत अच्छी जिम है, ऑक्सीजन करके नाम की जिम है, ऑनलाइन सर्च कर लेना। तो हम लोग पहला पोज जो करेंगे वो होगा फ्रंट डबल बाइसेप्स। पहले हम लोग पोज मारेंगे, फिर सीखेंगे उसमें दिखाना क्या होता है और जजेस को कैसे इंप्रेस करना है। और जो पोज हर बंदा मारता है, बस क्या होता है जो आपके पास है उसको अच्छी तरीके से दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम लोग का सबसे फर्स्ट पोज जो रहेगा वो होगा फ्रंट डबल बाइसेप्स। तो आप करिए, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं इसमें क्या है, अपना जो एब्स होते हैं वो विजिबल होते हैं। तो बस हम लोग करना क्या, हल्का सा आगे रखिए, हल्का सा आगे रखिए, ऐप टाइट करिए, कोर को टाइट करिए, वेरी गुड। बस में क्या है, हल्का सा वाइटनेस, लैट्स खुलेंगे और खुलेंगे आगे, वेरी गुड। ये तो जैसा क्या देखते हैं, पेट टाइट नीचे की तरफ और नीचे की तरफ, हल्का सा आगे रुकिए, कॉर्ड टाइट, हाँ कॉर्ड दोनों टाइट। और जब जजेस को दिखाएंगे तो पहले उनको, और सबसे पहली बात, जब भी सामने जजेस होंगे ध्यान रखना है कि उनकी आंखों पे देखना है, 3 से 4 5 जितने जजेस हो सबकी आंखों में देखना है और पोज मारना है। ऐसे भी कर सकते हैं और दूसरा रिकॉर्ड्स को भी दिखा सकते हैं। तो एज यू कैन सी बिल्कुल शेड है ये, अभी तो वाटर छोड़ना बाकी है, तब इतनी अच्छी कंडीशनिंग है। तो जो हम लोग का सेकेंड पोज होगा वो हम लोग का होगा फ्रंट लैट स्प्रेड। तो फ्रंट लैट स्प्रेड में हम लोग को ध्यान देना है शोल्डर की विड्थ, जो हम लोग की सिमेट्री होती है शोल्डर की विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए, और वेस्ट को साइज ऐसा इल्यूजन क्रिएट करना है कि चेस्ट जो अपना है, जो अपना विड्थ है शोल्डर की, वो बड़ी दिखी और अपना जो वेस्ट है वो बिल्कुल स्मॉलेस्ट पॉसिबल, जितना स्मॉल हो पाए उतना स्मॉल करनी है। आप इसमें किसी में वैक्यूम दे सकते हो, कुछ भी कर दो, पर वेस्ट कम दिखनी चाहिए। तो हम लोग एक बार देखते हैं कैसे करना है, फिर इसमें देखेंगे क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है। ऑलरेडी बहुत अच्छी पोजिंग है, पर हम लोग इसमें देखेंगे इंप्रूवमेंट क्या क्या की जा सकती है। सो फ्रंट लैट स्प्रेड, तो जैसा कि देख सकते हैं इसमें हल्के से एब्स और होने चाहिए और स्ट्रेच करना है इसको, पूरी कोशिश करने की पूरा पार्ट देखें, थाई पे फोकस रखना है हल्का सा, वेरी गुड। तो थाई देखनी चाहिए, एब्स टाइट, एब्स को टाइट, वेरी गुड। इसको और वाइट करना है, इसको वाइट, हल्का सा नीचे झुकिए। और ध्यान रखना है जो जजेस होते हैं वो हमेशा नीचे बैठे होते हैं, हम लोग ऊपर होते हैं, तो अगर हम लोग और पीछे हो जाएंगे तो हम लोग पूरी बॉडी अच्छी तरीके से नहीं होगी। और फिर बात बता रहा हूँ कि जजेस को फेस अपने आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना। तो हम लोग सो जो हम लोग का थर्ड पोज होने वाला है वो हम लोग को साइड चेस्ट होने वाला है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है और बहुत अच्छा पोज भी है। तो इसमें हम लोग करना क्या, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सो इसमें हम लोग को जो जजेस के पास वाली साइड है, जजेस के सामने वाली साइड है वाला पार्ट मोड़ना है। आप इसको डिफरेंट वे भी कर सकते हो, ये मैं अपना पोज बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको हैमस्ट्रिंग अपने टाइट रखने हैं, अपने लेग्स पूरे टाइट रखने हैं और हल्का सा आगे रखना है, यलर हल्का सा वाला पैर फोल्ड करना है। साइड चेस्ट में हम लोग को ये साइड दिखाना होता है, ठीक। इसमें हम लोग के शोल्डर विजिबल होते हैं और यलर पार्ट विजिबल होता है। हम लोग को ऐप साइड करके दिखानी होती है, अपनी ऑब्जेक्ट दिखानी होती है। सो तो हम लोग जब पोज मारेंगे तो ये जाके साइड चेस्ट ये दिखाना है और ऑब्लिक टाइट रखनी है, एब्स टाइट रखने हमेशा, लेग्स शोल्डर्स चेस्ट ऑब्लिक्स, वेरी गुड। पोज है वो होने वाला है रियर लैट स्प्रेड। इसमें हम लोग को अपने बैक की वाइटनेस दिखानी है और अपने बिहाइंड लेग्स, जो हम लोग के लेग्स के पीछे वाला पार्ट है, हैमस्ट्रिंग होती है, ग्लूट्स होते हैं, इसमें हम लोग को अपने मसल दिखानी है। सो पोज देखते हैं कैसे होता है बनता। तो बढ़िया पोज आ रहा है, इसमें हम लोग और बैठे ये वेरी गुड। अब साइड, अब सारे जो सामने बॉडी मानी है इधर दिखाई, सबको सारी इधर जो को दिखाई, फिर हाथ ऊपर करके कर दीजिए बस। सो जो हम लोग का फिफ्थ पोज है, मैंडेटरी पोज है सारे जो मैं बता रहा हूँ। सो आप लोग का है बैक और बाइसेप्स। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो अच्छे से टर्न लीजिए, तो इस पोज में हम लोग क्या करना है, अपनी वाइटनेस दिखानी है
वाइटनेस के साथ साथ अपने लेग्स पे हमेशा ध्यान देना है कि आपके लेग्स हमेशा टाइट रहें, क्योंकि हम लोग बैक और बाइसेप्स को कॉन्टैक्ट करने में तो ध्यान देते रहते हैं कि अपना हैमस्ट्रिंग भूल जाते हैं। सो हम लोग को क्या करना है, पहले वाइटनेस दिखानी है, फिर उसके बाद पोज मारना। सो अब ये है हम लोग का बैक डबल बाइसेप्स, तो इसमें हम लोग क्या करना है, इसमें पहले तो सेक्सी सा पोज देना, फिर उसके बाद हाथ बिल्कुल वाइट रखने हैं, और थोड़ा सा वाइट करिए हाथ, वेरी गुड। और देखो बिल्कुल सिमेट्री पे हाथ, हल्के से हाथ पीछे रहेंगे, दोनों पीछे पीछे करिए पीछे, हाँ ये, और पीछे हल्के से। सो जो हम लोग का सेक्स पोज होने वाला है, तो बहुत ही अच्छा पोज है, सारे पोज अच्छे हैं एक्चुअली। सो ये हम लोग का साइड ट्राइसेप होने वाला है, तो साइड ट्राइसेप में फिर हम लोग उसी पोजिशन पे आएंगे। कौन सी पोजिशन में? साइड चेस्ट में, साइड चेस्ट और साइड ट्राइसेप मोस्टली एक साथ आ जाती है, तो उसी पोजिशन पे हम लोग रहते हैं। पहला पैर जो फेसिंग फ्रंट होगा, मतलब कि जो हम लोग जेजर की बात होगा, वो हम लोग का पैर हल्का सा बेंड रहेगा। दूसरा पैर पूरा सीधे मत रखना, हल्का सा बेंड रखो, ठीक है। साइड ट्राइसेप आप ऐसे करके दे सकते हो, ठीक है, जैसे देना चाहो। बस ट्राइसेप दिखानी है, शोल्डर दिखाने, एब साइड रखो, ऑब्लिक साइड, ऑब्लिक साइड, फिर उसके बाद ये कर लो, फिर दिखाओ जेजर सामने ये, और ट्राइसेप को फोकस करना, फिर देखो मेरा पेट बाहर आ रहा है, टाइट ऑब्लिक्स, ये किया, ये दिखा दिया। तो फिर हम लोग को अगर पैर फोल्ड करना है, इसमें पैर फोल्ड करके और ज़्यादा जिसमें आपकी हल्की और नहीं पड़ेगी, हाँ अगर पैर फोल्ड कर दिया, हाँ ठीक है, ठीक है, ऐसे करके अच्छा दिखा जाएगा, देखो ये पकड़िए टाइट, ये फिर हल्का साड़ी होगी, हल्का साड़ी होगी, ऑब्लिक साइड, ठीक है। अब पैर खोल देना, पैर ये दिखाया सामने जज को, देखा स्माइल पास करी, वापस अंदर। एक साइड दिखा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। सो इसमें हम लोग मतलब वो दिखाने के बाद ना फिर वाला बीच में ये भी कर सकते हैं, हाँ ये करके मतलब ऐसे कर रहे होंगे, हाँ। सो हम लोग बहुत सारी दिखा सकते हैं, पोजेस कई प्रकार से किए सकते हैं, और हम लोग अपनी ये मसल दिखानी है, ऑब्लिक दिखानी है, और कोर भी दिखाना है, और थाइस भी दिखानी है। ध्यान रखना थाइस के मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी थाइस अच्छी है उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, और जिसका कोर अच्छा है ऑब्वियसली उसके मार्क्स उसको ज़्यादा मिलेंगे ही मिलेंगे। सो अब लोग अब आते हैं लास्ट पोज पे, सबका बहुत सबका फेवरेट पोज होता है मोस्ट मस्कुलर। हम मोस्ट मस्कुलर कैसे भी कर सकते हैं, मोस्ट मस्कुलर आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप अपना दिखाइए, ये थाइस, थाइस साइड नहीं है, और दम लगाइए, पूरी जान लगाइए आगे तक, कॉलर ऐसे, हाँ ये कॉलर, ये चलिए थाइस थाइस, हाँ ये, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ऐसे ही नॉलेज जानने के लिए, अपने कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्या क्या जानना है। सो हम लोग अलविदा लेते हैं अपने भाई से, सो ज़रूर चेकआउट करना इनकी जिम को, कहाँ पे आती है, विकास नगर गुरुदेव पैलेस में है, सो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, और तब तक के लिए बाय बाय, पीस।